हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई होप एकदम मस्त होंगे और फुल मजे कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी बताऊंगा, तो लास्ट तक देखना। और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले टिप्स की बात कर लेते हैं। तो ये है, आप कभी कभी होता है कि ब्राउजर में कोई भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, कोई भी इमेज देख रहे हैं, कोई भी फोटो देख रहे हैं, तो वहां से आपको कोई अगर इमेज को व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो आपको करना होता था कि आपको उस इमेज को डाउनलोड करना पड़ता था, फिर उसके बाद जाके चैट में ऐड करना पड़ता था। तो अभी उस समस्या का निवारण के लिए व्हाट्सएप में नया फीचर आया कि आप अपने ब्राउजर में जाके उस इमेज को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप में आके उस इमेज उसको पेस्ट कर देंगे। आप पेस्ट बटन दबाएंगे तो वो इमेज पेस्ट हो जाएगी। ये काफी मस्त फीचर है, अगर आप यूज नहीं किए हैं तो यूज कीजिए, काफी मस्त चीज है। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टिप है कि आप अपने व्हाट्सएप में चैट करते करते आप अपने कन्वर्सेशन को अगर शॉर्ट रखना चाहते हैं तो आप उसमें रिएक्शन देके बस छोड़ दीजिए। काफी बढ़िया फीचर है, आप इसको यूज कीजिए। पहले था व्हाट्सएप में, ये नया अपडेट आया था कि आप पहले 6 रिएक्शन ही दे सकते थे, लेकिन अभी नए जो अपडेट आया है उसमें आप कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, कोई भी इमोजी को आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया फीचर है, आप इसको यूज कीजिएगा, काफी मस्त फीचर है। मैं भी यूज करता हूँ, आप यूज कीजिएगा, बताइएगा कैसा फीचर है कमेंट में। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टिप है लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो को। ऐसा हो पहले व्हाट्सएप में ये फीचर था कि व्हाट्सएप में आप अपने प्रोफाइल और लास्ट सीन को कर सकते थे एवरीवन, मतलब हर कोई देख सकता है। आपका अकाउंट एकदम सामाजिक अकाउंट है, कोई भी देख सकता है कि आप कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन हुए, या आपकी प्रोफाइल क्या लगी है। लेकिन अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन था कि माई अकाउंट, मतलब होता है कि जो कॉन्टेक्ट मेरे फोन में है वही कॉन्टेक्ट मेरा लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन था नन करके कि आपका प्रोफाइल और लास्ट सीन कोई नहीं देख सकता, लेकिन अभी एक नया फीचर और आ गया है माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्शन। उसमें ये है कि आप अगर माई कॉन्टेक्ट मतलब आपके कॉन्टेक्ट में आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हैं कि ये हमारा लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो ना देखे, तो आप उसको इंसेप्शन में डाल दीजिए। मैं नहीं दिखाऊंगा आपका प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन, वो नहीं देख पाएंगे। ये चीज आया है व्हाट्सएप में। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। तो ये सबसे मजेदार फीचर है व्हाट्सएप का, हमें लगता है कि आप में से मेजॉरिटी आप लोग इस फीचर को नहीं जानते होंगे। तो बता दें कि आप व्हाट्सएप पे अब अप टू 2 GB तक की फाइल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। जो काम टेलीग्राम पे होता था वो काम व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, और व्हाट्सएप पे आपको ये चीज मिलती है इन टू इन इनक्रिप्टेड, काफी मस्त चीज है। आपको बस व्हाट्सएप में आपको किसी भी फाइल को शेयर करने के लिए उसको डॉक्यूमेंट मोड में ऐड करना पड़ेगा, तो आपका जो भी बिटगो है या और भी कुछ है आप उसको शेयर कर सकते हैं, 2 GB तक की फाइलें शेयर कर सकते हैं। तो ये काफी मस्त चीज है, आप टेलीग्राम की जगह व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं, समझ गए ना। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। तो वो है कि आप अगर कोई भी सामाजिक ग्रुप बनाते हैं या आप अपने ग्रुप में किसी को फोर्सफुली ऐड नहीं करना चाहते, अपने कॉन्टेक्ट का अगर कोई को अगर किसी को ऐड करना और सोशल मीडिया पे उसको शेयर कर सकते हैं, काफी बढ़िया फीचर है। आपको बस ग्रुप क्रिएट करके और उसका लिंक को है आपको शेयर कर देना है, और आप अगर उस ग्रुप में कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा वो ज्वाइन कर सकता है उस लिंक के थ्रू, आप उस पर क्लिक करके वो आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। तो ये काफी बढ़िया फीचर है व्हाट्सएप का। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टिप कि ग्रुप में आप प्राइवेट रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है कोई कन्वर्सेशन हो रहा है ग्रुप में हो रहा है और कोई मतलब किसी को अगर रिप्लाई करना है तो आप उसको प्राइवेटली रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया फीचर, आप अगर यूज नहीं करते हो तो इसको यूज कीजिएगा। बस करना क्या, आपको अपने जिस भी मैसेज पे रिप्लाई करना है उस पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद वहां से रिप्लाई कर दीजिए, प्राइवेट रिप्लाई कर सकते हैं सिर्फ आपके बीच और जो मैसेज सेंड किया है उस सेंडर के बीच में, ये मैसेज होगा सिर्फ आप दोनों लोग ही देख सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया फीचर है, आप इसको यूज कीजिएगा और बताइएगा हमको ये कैसा रहा। यहाँ तक बने रहे हैं तो आपको ये टिप भी बता देता हूँ, ये एक बोनस टिप है आपको, मैंने सोचा कि जब लास्ट तक बने हुए हैं तो आपको बता देते हैं। तो नेक्स्ट टिप है कि व्हाट्सएप ने ऑफिशियली बता दिया है कि व्हाट्सएप में अब आप एंड्रॉयड टू iOS, iOS टू एंड्रॉयड अपने डाटा को अपने चैट्स को मूव कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया है, आप अपने किसी भी डाटा को नहीं करना होगा, तो ये काफी बढ़िया चीज है। आपको बस करना क्या, आपको अपने चैट में जाके उसका बैकअप करना है और नॉर्मली आप जिस नए डिवाइस में अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं और वहां से आपको रिस्टोर कर लेना है। काफी बढ़िया फीचर है, एकदम सिंपल सा फीचर है। और एक चीज बहुत मस्त है नीचे, वो है सुपर टेक का सब्सक्राइब बटन। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।